हेलो एंड वेलकम टू विकीपीडिया क्लासेज आई एम मोहित आनंद और आज मैं लेके आया हूँ नेक्स्ट लेक्चर ऑन दिस सीरीज़ प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पार्ट वन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पार्ट टू हम आज डिस्कस करेंगे सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट दी टॉपिक सो बात करते हैं हम सबसे पहले पिछली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी आई होप आप सब ने वो पढ़ी होंगी अब उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं सो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट विल डिस्कस इज़ इंडियन लीग दिस इंडियन लीग वॉज स्टार्टेड इन एटीन सेवेंटी फाइव बाय शिशिर कुमार घोष इन कैलकटा सो नाम आपको ध्यान रखना है जगह ध्यान रखनी है और ईयर ध्यान रखना है द मेन एम वॉज़ टू डेवेल्प द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग कॉमन पीपल क्यों क्योंकि उस टाइम पे लोग इतने ज़्यादा नेशनलिज्म को लेके उतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे या वो नेशनलिस्टिक फीलिंग नहीं थी लोगों में क्योंकि कम्युनिकेशन होता नहीं था एजुकेशन उतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं सो so, वो लोगों में वहाँ के नेटिव पीपल में नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की 1875 में ठीक है सो so, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट एसोसिएशन इज़ इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा

जो थी वो यू नो प्रो लैंडलॉर्ड थी कंजर्वेटिव थी थोड़ी सो दे ही दे बेसिकली वांटेड कि जो जो भी एसोसिएशन बने वो मासीज के लिए काम करे ना कि लैंड के लिए काम करे दिस इज द रीजन दे फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा दिस एसोसिएशन सुपरसीडिड द इंडियन लीग माने इंडियन लीग को सुपरसीड किया इसने एंड इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा वॉज फॉर्म्ड सो इट एम्ड एट पोलिटिकल मटीरियल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ द पीपल सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी इट डज़ नॉट फोकस्ड ऑनली ऑन लैंड और दी एरिस्टोक्रेटिक क्लास और फॉर दैट मैटर एनी अपर क्लास सो इट फोकस ऑन दी पोलिटिकल मटीरियल एंड इंटलेक्चुअल एडवासमेंट ऑफ द कॉमन पीपल बट इट वॉज लेटर मर्ज विद इंडियन नेशनल कांग्रेस इन एटीन एटी सिक्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आया आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन मर्ज विद आई एन सी इन एटीन एटी सिक्स या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इंडियन एसोसिएशन के बारे में ऐसा क्वेश्चन सो आई होप ये दो आपको क्लियर है चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट आएगी हमारी बॉम्बे नेटिव एसोसिएशन सो दिस वॉज द फर्स्ट एसोसिएशन फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन एटीन फिफ्टी टू बाय जगन्नाथ शंकर शेठ सो जगन्नाथ शंकर शेठ वॉज द पर्सन हु इन एटीन फिफ्टी टू फाउंडेड दी बॉम्बे नेटिव एसोसिएशन अलॉन्ग विद दादा भाई नरोजी सो दादा भाई नरोजी यू ऑल नो ही इज कंसिडर्ड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया

नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट इज पूना सार्वजनिक सभा सो पूना सार्वजनिक सभा वाज़ अ वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय महादेव गोविंद रानाडे इन 1867 इन पूना सो प्लीज़ रिमेंबर आपको ये ईयर भी ध्यान रखना है और फाउंडर का नाम भी ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट और मेन मेन चीज़ें जो है कि क्यों बनाई गई थी वो भी आपको ध्यान रखना सो इट वॉज़ फाउंड इन पूना सो इट एक्टेड एज अ लिंक बिटवीन द गवर्मेंट एंड द पीपल सो क्योंकि कॉमन मासिस का गवर्नमेंट तक पहुँच नहीं थी तो गवर्नमेंट और कॉमन कॉमन मासिस के बीच में एक लिंक का काम किया किसने पूना सार्वजनिक सभा ने बाल गंगाधर तिलक वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन सो ये इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है यानी एक्सेप्ट एम जी राना डे विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स इज द मेंबर ऑफ द पूना सार्वजनिक सभा सो so, उसमें आपको ध्यान रखना बाल गंगाधर तिलक वॉज ऑल्सो द मेम्बर ऑफ पुना सार्वजनिक सभा नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इट इज़ बॉम्बे प्रेजिडेंसी एसोसिएशन विच वॉज फाउंडेड इन एटीन एटी फाइव द ईयर इन विच इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फारम्ड दिस एसोसिएशन वॉज ऑल्सो फॉर्मड इन एटीन एटी फाइव बाई फिरोज शाह मेहता बदरुद्दीन तायब जी एंड के टी तिलानग सो ये तीन लोगों के नाम आपने याद ध्यान रखने हैं एक दो फैक्ट्स और मैं आपको बताइए नो बदरुद्दीन तायब जी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट ऑफ आई एन सी इन एटीन एटी सेवन आई थिंक अलाहाबाद सेशन था एंड फिरोजा मेहता जो थे वो एटीन नाइन्टी में ही बिकेम द प्रजिडेंट ऑफ आई एन सी सो दिस वॉज फाउंडेड दिस एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन ऑपोजिशन टू इलबर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी ये आई एल बी आर टीबर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी ये बेसिकली उस टाइम पे लॉर्ड रिपन के टाइम पे इलबर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी सो so, ये इल्बर्ट बिल को मैं सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करूँगा बट ध्यान रखना दिस इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी हैपन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन सो so, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं मद्रास नेटिव एसोसिएशन की सो इट वाज फाउंडेड इन 1849 बाय गुजुलू लक्ष्मी नारासू शेट्टी जी एल शेट्टी आपको ध्यान रखना है इन मद्रास एंड दिस वॉज द फर्स्ट पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन मद्रास सो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है विच इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मद्रास सो इट वॉज मद्रास नेटिव एसोसिएशन नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे सो so हमारी लास्ट जो है प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज मद्रास महाजन सभा इट वाज फाउंडेड इन 1884 बाय बी सुब्रमण्यम अय्यर पी आनंद चार्लू एंड एम वीरा राघवाचारी सो so, ये नाम आपने ध्यान रखने हैं बी सुब्रमण्यम अय्यर पी अनंत चार्लू एंड एम वीरा राघवाचारी दे टुक मॉडरेट स्टैंड ऑन दी अपोजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ सो जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही थी उसके ऊपर कोई इन्होंने स्ट्रिक्ट स्टैंड नहीं लिया दे टुक अ मॉडरेट स्टैंड मतलब उन्होंने उतना ज़्यादा अपोज नहीं किया गवर्नमेंट को सो so, ये थी हमारी सारी की सारी प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो आपको ध्यान में रखनी है सो so, इसके साथ ही हमारा प्री ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक खत्म हो गया अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं नया टॉपिक लेके आऊँगा आई होप आपको क्लासेस जो हैं ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसको शेयर कर दीजिए और उसके बाद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए सो so, जल्दी ही मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा एक और टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिवस को लेकर इंपॉर्टेंट रहेंगे सो टिल देन टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल